अनुदान मिलता है किसानों को, वो मध्य प्रदेश सरकार कृषि विभाग द्वारा मिलता है, कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा, लेकिन वो पोर्टल बंद है, किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है, किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है, तो वो लाभ से वंचित है। इनकी बात अच्छे से सुन लीजिए, कृपा करके शांत हो जाए। यहाँ आप लोग फिर खड़े हुए, चलिए बैठिए, महाराज बैठो, आप बैठो महाराज। किसान अनुदान योजना अंतर्गत किसानों को जो ट्रांसफार्मर दिए जाते थे वो योजना पूरी तरीके से ठप है। किसानों को अनुदान के आधार पर कोई भी ट्रांसफार्मर उसके खेत में नहीं रखा जा रहा है, इस वजह से भी किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है और परेशान है। और महाराज सबसे बड़ी बात, अब चूंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात मैं कहना चाहूंगा, महाराज दतिया में अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। 15-15-20 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, महाराज लाठीचार्ज हुए उन्होंने बिखरा, और आज दतिया का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। महाराज साहब बड़े दुख के साथ मुझे आपके समक्ष एक बात उठानी पड़ रही है, जब आपके कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात आती है, आपके कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की बात आती है, और जब हम इस बात को उठाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी जाती है, जिसका मैं आपको एक सबूत दूंगा। महाराज साहब नाम नहीं लेना चाहूंगा, मध्य सरकार ने जिन्हें प्रभार दिया है हम कार्यकर्ताओं के मान सम्मान रखने की, महाराज कांग्रेस के इतिहास में पहली बार एक कांग्रेस कार्यकर्ता पे यानी ब्लॉक अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें सीधे सीधे प्रभारी मंत्री के नाम का उल्लेख है, इससे ज्यादा शर्म की बात हम लोगों के लिए कुछ नहीं होगी। महाराज आपका कार्यकर्ता स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, और कार्यकर्ता का स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है तो उसको मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी जाती है। महाराज महाराज जिला कांग्रेस कमेटी में हम अपनी बात नहीं कह सकते, जिला कांग्रेस कमेटी में अगर सम्मान की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं, तो हम लोगों से यह कह दिया जाता है कार्यालय से निकल जाओ। महाराज नहीं नहीं, आप वो पीछे नीले जैकेट में, नीले जैकेट, नीले जैकेट में महाराज, महाराज मेरा नाम, मेरा नाम संघर्ष, मेरा नाम संघर्ष यादव है, मैं प्रदेश सचिव हूँ यूथ कांग्रेस का महाराज। चूंकि सब लोगों ने सारी समस्या बता दी, मैं बात करना चाहूंगा संगठन को लेके। महाराज सरकार 15 साल से लोग इंतजार कर रहे थे अपनी सरकार का, कि हमारी सरकार आएगी, जनता के लोग भी काम करेंगे। हम चाहते हैं महाराज कि अपने वरिष्ठ नेताओं का हाथ बटाएं, हम लोग को भी नेतृत्व मिले, यूथ कांग्रेस को, एनएसयू को नेतृत्व मिला, हम लोगों के अंदर भी जनता के लिए कुछ करने की चाह है, कुछ आ गए, उसका रास्ता कैसे बने महाराज। हम लोग जो जनभागीदारी समितियां हैं या जो भी अन्य समितियां हैं महाराज, हम एक हमारे जो महाराज हमारे जो दतिया के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है महाराज, उनकी एक सूची बना लें जिन्होंने तीनों विधानसभाओं में मेहनत करी, 10-10 यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई कार्यकर्ता उनको निकाल लें, जो बताया कि ये संघर्ष करने वाले लोग हैं, इनने हर जगह लड़ाई लड़ी है महाराज, उनकी सूची बना के उनको टारगेट दे दे कि तुम एक फलाने विभाग में जाके काम करो, वहां जनता के लिए काम करो महाराज, और कोई रिपोर्ट कार्ड लेने वाला भी हो महाराज, कि हम लोग क्या काम करके डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि महाराज 15 साल के इंतजार के बाद सरकार आई है महाराज, हम लोग के अंदर ही बहुत सारी इच्छा है जनता के लिए काम करने की महाराज, हमको रास्ता देने का आप महाराज काम करें। और ये बात धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं से भी मिलकर आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, वास्तविकता से भी मैं परिचित हुआ हूँ, कठिनाइयों से भी मैं परिचित हुआ हूँ, और आपके संकटों का समाधान करने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। अंडेर सदैव सिंधिया परिवार का बहुत करीब रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रक्षा जी के साथ अंडेर की विकास और प्रगति का जो भी मुद्दा या जो भी विषय ये मेरे पास लेके आएंगी, उस पर पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं आपके लिए, क्षेत्र के लिए पूर्ण रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।
उसका मैंने खुद अपने हाथ से डिजाइन ड्राइंग करके और मैंने अंदर का जो मार्ग है बहुत उसने जो मनोज मिश्रा जी के जो कॉन्ट्रेक्टर थे दोनों लड़के खुलवाई उत्तर प्रदेश की दोनों राज्य पूरे किसानों को पानी दिया। मैंने 6 पेज की विस्तृत कार्य योजना बना के दी MPP की। वो यदि मेरी विस्तृत कार्य योजना जो है ये किराये में हो जाती है तो 25 से 50 साल तक मेरे कभी बिजली की समस्या नहीं है। मैंने उसका RTI का कॉलेज का जो है एक मटवाट कर मैं बाधा या गति अवरोधक के रूप में खड़ा नहीं रहना चाहता, लेकिन आज जो ये एक पारंपरिक और पुश्तैनी कार्यक्रम डबरा में आयोजित की जाती है, आज आपके समक्ष होने का सौभाग्य मुझे मिला है और मैं हमारी क्षेत्र की विधायिका एवं मंत्री इमरती देवी जी को दिल से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज के शाम में वल्ली बाबा और पठान बाबा की स्मृति में जो उर्स मनाया जाता है, अतिथि के रूप में हमारे दोनों कवाली के समूह यहाँ आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे ग्वालियर चंबल के धरती में उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भी स्वागत किया गया। आज का यह शाम हमारे क्षेत्र के ऐसे दोनों महान बाबा और हस्तियों के लिए मनाया जाता है जिनका उर्स इस क्षेत्र के लिए एक बहुत पवित्र धारणा का स्रोत है। और आज के शाम में इस कवाली की रोचक भावना का लुत्फ तो आप उठाओगे, लेकिन उसके साथ ही जो धर्म की तरफ प्रति आस्था इस देश की महान इतिहास और परंपरा धर्म निरपेक्षता की उदार विचारधारा की सांप्रदायिक सद्भाव की जिस माटी पे हम बैठे हैं, ये भारत माता की जो माटी है जो हर धर्म हर संप्रदाय हर जाति को एक मोती के माला में पिरोकर पूरे विश्व के सबसे उच्च स्तर का देश जो भारत माना जाता है, जिस देश में हिंदू समुदाय के लोग उर्स मनाते हैं, जिस देश में मुस्लिम समुदाय के लोग दिवाली और दशहरा मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए धर्म जरूर महत्वपूर्ण है लेकिन धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण गांधी विचारधारा भाईचारा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज की शाम उस भाईचारे के नाम, आज की शाम उस महान सोच विचारधारा सांप्रदायिक सद्भाव धर्म निरपेक्षता के नाम और आज की शाम इस आने वाले साल के हमारे दोनों पठान बाबा और बल्ली बाबा दोनों का आशीर्वाद इस क्षेत्र पर रहे, खासकर हमारे किसानों पर रहे, इस क्षेत्र की जनता पर रहे, यही मेरी दिल की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।